नमस्कार मित्रों, मुक्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बताना चाहूँगा कि रतौंधी या फिर जिसकी दृष्टि कमज़ोर हो उसको क्या इलाज करना चाहिए। इसके लिए मैं बता दूँ, या फिर जिसको चश्मा लग गया हो उसका भी इलाज यही है। तो मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो एक बड़ा आसान सा उपाय, बिल्कुल सरल सा उपाय है कि उसको नाक में घी डालना शुरू करना चाहिए। और अगर जिसको चश्मा लग गया है उससे कुछ फायदा करना है तो एक ये भी इलाज बहुत अच्छा है, जो मुंह की तो अगर जो वो व्यक्ति नाक में घी डालता रहेगा और एक मुंह की लार जो इस्तेमाल करेगा, तो इससे चश्मा भी बड़ी आसानी से हट जाता है और उसके मोतियाबिंद भी हो गया हो तो वो भी बड़े आसानी से हट जाता है। ये इसका उपाय। दूसरा क्या है कि पैरों के तलवों में घी लगा करके कांसे के बर्तन में तब तक रगड़ें जब तक तलवे काले ना हो जाएं। ऐसा करने से भी बहुत अच्छा प्रभाव होता है, बड़े जल्दी ही दृष्टि ठीक हो जाती है और रतौंधी है वो भी ठीक हो जाती है, और दृष्टि कमज़ोर वो भी ठीक हो जाता है। और दिन में 3 बार 2-2 बूंद गौमूत्र भी डाल सकते हैं। इसमें डालने से बड़े आसानी से ये दृष्टि भी ठीक हो जाती है, सब ठीक होते हैं। और शहद की 2-2 बूंदें डाल सकते हैं और गुलाब जल की भी 2-2 बूंदें डाल सकते हैं। ये तो फायदा ही का था, गौमूत्र, शहद, गुलाब जल, ये 2-2 बूंद डालते रहें। ये तो चाहे मोतियाबिंद हो, चाहे रतौंधी हो, चाहे दृष्टि कमजोर, तीनों में बढ़िया काम करता है। और गौमूत्र सेवन से भी रतौंधी और दृष्टि कमजोर ठीक हो जाती है। ये उसका कारण होता है कि आखिर ये क्यों होती है कि कोई ना कोई हमारे कुछ कमजोरी होती है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए गौमूत्र सेवन से भी हम बड़े आसानी से इसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा क्या है, दूध को गुनगुना करके उसमें काली मिर्च डाल करके उसको औंट दें तो पीने से ठीक हो जाता है। मुनक्का भी डाल करके औंट करके पीने से भी ठीक होता है। मतलब काली मिर्च डाल लें या मुनक्का डाल लें, इनको डाल के औंट करके पीने से भी ये ठीक हो जाता है। जिसे रतौंधी है उसमें क्या होता है, इसका विज्ञान बताते हैं। अगर जो हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो उसमें रतौंधी जैसी समस्या आएगी। तो रतौंधी की समस्या ना आए इसके लिए विटामिन ए चाहिए। तो विटामिन ए के स्रोत बता दूँ, मूंगफली में बहुत अच्छा विटामिन ए है और भिंडी में बहुत अच्छा विटामिन ए है। भिंडी में विटामिन ए और विटामिन सी बहुत अच्छी है, इनको यदि इस्तेमाल कर लेंगे तो इससे बड़े आसानी से ठीक हो जाता है, उसमें कोई तकलीफ नहीं होती है। ये उपाय आसानी से उपलब्ध हैं, घर में कर लेने चाहिए। लेकिन एक चीज़ और बताते, अगर रतौंधी है और विटामिन ए के डायरेक्ट कैप्सूल खा रहे हो, इसका साइड इफेक्ट हो सकता है। इस पर हम गारंटी नहीं लेते हैं क्योंकि आर्टिफिशियल चीज़ है, उस पर हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। पर जो हमें प्रकृति ने जो हमें दिया, जैसे मूंगफली, मूंगफली का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो इसलिए मूंगफली से विटामिन ए मिलता है। घी में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, देसी घी, तो घी ले सकते। दूध, इसमें भी विटामिन ए है, दूध भी ले सकते हैं गाय का। ये हम विटामिन ए की चीज़ें ले सकते हैं। बादाम में भी विटामिन ए है, ये भी ले सकते हैं अपनी हैसियत के हिसाब से। अगर जो अच्छा पैसा, तो कुछ लोग बादाम मूंगफली को छोटा समझते हैं क्योंकि पैसे वाले हैं, हम मूंगफली नहीं बादाम खाएंगे, तो बादाम खाओ कोई बात नहीं। अब जो गरीब लोग हैं, क्योंकि मूंगफली गरीब लोग ही खा पाते हैं, 100 रुपये किलो की नहीं, 500 से 700 रुपये किलो का बादाम खा सकते, तो उनके लिए मूंगफली है। बल्कि फायदा दोनों का बराबर है। ये और बता दें, चाहे गरीब हो चाहे अमीर है, बादाम खाओ चाहे मूंगफली, फायदा दोनों का बराबर है। महंगा होने का कारण है वो तो उधर महाराष्ट्र से आता है, चलो जाने दो, खैर मूंगफली अपने खेतों में हो जाती, इसको छोड़ते हुए। अच्छा, आगे की बात ये है कि हमें पथ्य क्या है, पथ्य माने हमें क्या इस्तेमाल, क्या सेवन करना चाहिए जो हमें तो नुकसान ना दे, पथ्य ये होता है। तो इसमें पालक खाएं, बड़ा अच्छा लाभ, गाजर खाएं, बहुत अच्छा लाभ, आंवला खाएं, बहुत अच्छा, हरा धनिया इस्तेमाल करें, बहुत अच्छा है, बादाम मैंने पहले ही बता दिया था, और
हरी घास पर नंगे पैर यदि चलते हैं तो इससे क्या होता है कि हमारी दृष्टि तेज होती है। ये आपने सैकड़ों बार ये बात सुनी होगी, ये बिल्कुल सही है। अब जैसे कि शहरों में क्या करें, तो शहरों में ये है कि पार्क में सवेरे सवेरे जाएं, पास में नहीं है तो दूर है तो दूर जाएं, और वो भी चलें कब, सुबह सुबह जब ओस हल्की हल्की हो, जो कि ओस के संपर्क से घास हमारे पैरों में होगी। तो ये अच्छा, पैरों का विज्ञान बता दें, पैरों में क्या होता है कि पैरों के जो नसें हैं वो हमारे पूरे शरीर में, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पूरे शरीर में इफेक्ट डालती है, हाथ के तलवे दोनों और पैर के तलवे, ये ऐसी चीज़ है कि वह प्रेशर ज़्यादातर यही नहीं नीति चार जगह होता है, या हाथ में या फिर पैरों में। तो एक्यूप्रेशर का मतलब ये है कि इनका सीधे सीधे हर अंग पर संपर्क है, तो ज़्यादातर डायबिटीज का इलाज पैरों से किया जा सकता है। तो इसलिए पैरों से हमारे पूरे शरीर तक, कभी कभी कोई कड़वी चीज़ होती है, पैरों से कुचलते रहो तो जीभ में कड़वापन आ जाता, तो जीभ में आ सकते, तो आँखों आँख है और जीभ में कितनी दूरी है, थोड़ी सी दूरी, तो यहाँ तक आ सकते, तो वहाँ भी जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसलिए सुबह सुबह घास पर चलते रहें, ये भी बहुत अच्छा लाभ है। अब अपथ्य बता दें, जिसको हम उर्दू में परहेज कहते हैं, अपथ्य क्या है हमारे लिए, खटाई ज़्यादा ना खाएं, आंवला को छोड़कर, आंवला खट्टा होने पर भी उसे खा सकते हैं, तली चीज़ें ना खाएं, मैदा ना खाएं, बेसन ना खाएं, और गरम मसाले ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, टीवी और कंप्यूटर में ज़्यादा समय ना दें, क्योंकि उससे निकलने वाली जो किरणें होती हैं हमारी दृष्टि में बहुत बुरा प्रभाव जाए डालती हैं। तो इसलिए टीवी और मोबाइल में ज़्यादा देर तक और कंप्यूटर में ज़्यादा देर तक ना समय दें, और सूर्योदय के बाद उठना ये हमारे लिए घातक है, क्योंकि सूर्य की किरणें जिस समय हम जगते हैं तुरंत हमारी आँखों पर पड़ती है, सुबह अगर जो सूर्योदय पहले जगेंगे तो हमें मतलब सूर्य की किरणें नहीं दिखेंगी, और फिर धीरे धीरे दिखनी शुरू होगी, जब निकलेगा तो दिखनी शुरू होगी, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब पता लगे जगे, तुरंत जग करके देखा तो सूर्य की किरण है, तो वो एकदम जग करके बंद आंखों में तुरंत रोशनी पड़ना, ये घातक होता है। तो इसलिए इस हिसाब से यदि आप इलाज करेंगे तो बड़े आसानी से आपका रतौंधी का भी इलाज हो जाएगा, और दृष्टि कमजोर है तो भी इलाज हो जाएगा, और मोतियाबिंद है तो वो भी हो जाएगा, हालांकि मोतियाबिंद का एक अलग से वीडियो पड़ा हुआ है, तो इसलिए उसमें कोई ज़्यादा ध्यान ना देने की बात है, वो उसको अलग से देख सकते हैं। तो आप इस प्रकार से आप इलाज कर लें, और विटामिन ए के कैप्सूल ना खाएं, आपको इधर से विटामिन ए ले लो, और इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम दें। नमस्कार।